नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। आइए अब करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ के घोटाले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएनबी घोटाला 2016-17 में हुआ है। पन्ना के पवई थाना अंतर्गत ग्राम सरसेला में एक शादी समारोह के दौरान बारात में आए एक युवक के द्वारा नशे की हालत में हवाई फायर किया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये फूलपुर लोकसभा उपचुनाव कौशलेंद्र सिंह पटेल नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये मेरा चुनाव है और मैं खुद लड़ रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ के घोटाले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएनबी घोटाला 2016-17 में हुआ है और उस वक्त कांग्रेस नहीं बीजेपी की सरकार थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएनबी घोटाले मामले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई खुद कह रही है कि पीएनबी घोटाला वर्ष 2016-17 में हुआ है और उस वक्त कांग्रेस नहीं बीजेपी की सरकार थी। वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएनबी घोटाला कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार के समय में होने की सफाई देने के मामले में दिग्विजय सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब पीएनबी घोटाला कांग्रेस सरकार के समय हुआ तब विपक्ष में बैठी बीजेपी क्या कर रही थी। हालांकि दिग्विजय सिंह प्रदेश के बहुचर्चित हेमंत कटारे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। दिग्विजय सिंह से जब मीडिया ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं होने पर सवाल किया तो दिग्विजय सिंह गोलमोल जवाब देते नजर आए। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा यात्रा पिछले 4 दिनों से मंडला जिले में है। उनकी यात्रा रविवार को चिरई डोंगरी से होते हुए ग्वारी ग्राम पहुंची। परिक्रमा यात्रा के दौरान गांव गांव में ग्रामीणों द्वारा दिग्विजय सिंह का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, हर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद पुरानी वर्किंग कमेटी अपने आप समाप्त हो जाती है और नई वर्किंग कमेटी के चुनाव होते हैं और पहले जो प्लेनरी सेशन होता है उसमें चुनाव होता है वर्किंग कमेटी। अगर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास होता है कि नव निर्वाचित अध्यक्ष महोदय राहुल गांधी जी को अधिकृत किया जाता है वर्किंग कमेटी के चयन के लिए, तो उन्हें अधिकृत कर दिया जाएगा, अन्यथा वर्किंग कमेटी के चुनाव होंगे। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। जो पुरानी वर्किंग कमेटी थी उसी को प्लेनरी सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। इसमें आप और कमलनाथ जी सिंधिया जी नहीं, वो पहले वर्किंग कमेटी में कमलनाथ जी में ही थे, सिंधिया जी उसमें नहीं थे, सिंधिया जी उसकी पहले वाली वर्किंग कमेटी में थे। पीएनबी घोटाले कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास कुछ है? मैं तो यहाँ आप लोगों के बीच मंडला में हूँ, अपडेट तो जो आप लोग ऑनलाइन पे दे देते हो पढ़ लेते हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो लगातार कांग्रेस कल पीसी करके उनने कांग्रेस पे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि मनमोहन सिंह का टाइम ये घोटाला था। अगर ऐसा था तो विपक्ष उस समय सो क्यों रहा था? और एक दूसरा, ये सारे सीबीआई ने खुद ने कहा है कि ये पूरा का पूरा जो फ्रॉड हुआ है 2016-2017 में हुआ है, सीबीआई का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट है। पन्ना के पवई थाना अंतर्गत ग्राम सरसेला में एक शादी समारोह के दौरान बारात में आए एक युवक के द्वारा नशे की हालत में हवाई फायर किया गया, जिसमें निकलने वाली गोली वहीं पर खड़े लड़की के रिश्तेदार को लग गई, जिसके बाद युवक के हाथ से खून निकलने लगा और युवक वहीं बेहोश हो गया, जिससे आनंद फानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में भर्ती करवाया गया और हालत गंभीर होने की वजह से उसे जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से फायर करने वाला युवक मौके से फरार है। घटना के बाद से गांव में सनसनी का माहौल बना हुआ है। घायल युवक का जिला चिकित्सालय पन्ना में उपचार जारी है। उसी समय बराती जो फायरिंग कर रहे थे, फायरिंग करते समय मैंने देखा अचानक मेरे हाथ में चोट आई,
फिर इसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो खून गिर रहा था। फिर कुछ लोगों ने कहा कि गोली चली। इसके बाद फिर वहाँ पकड़ना चाहा उन लोगों के लिए, वो जीप से भाग गए। इसके बाद में जमीन पर गिर गया, फिर मालूम नहीं क्या हुआ। तो उपचार केंद्र में मैं वहाँ पहुँचा, फिर इसके बाद वहाँ कंप्लेन की, फिर इसके बाद पन्ना चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। कल एक बारात आई थी रीवा जिले से यहाँ पे, हाँ सर सही, तो वहाँ पे बारात जब टीका चल रहा था बारात का, तो उस दौरान एक बाराती ने, नागेंद्र सिंह नाम के बाराती ने, अपनी पिस्टल से फायर किया। अब वो फायर एक वहीं के लोकल उनके रिश्तेदार लड़की पक्ष के एक व्यक्ति को लग गया, हाथ में चोट थी इसके। तो उस पर से हमने जो है 307/25/27 का मुकदमा कायम किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये फूलपुर लोकसभा उपचुनाव कौशलेंद्र सिंह पटेल नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये मेरा चुनाव है और मैं खुद लड़ रहा हूँ। कौशलेंद्र सिंह पटेल मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और कहा कि भाजपा जाति धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है, और इस चुनाव पर जीत का दावा करते हुए कहा कि ये चुनाव हम हर हाल पर जीत के रहेंगे। पटेल जी प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे, लेकिन यह चुनाव कौशलेंद्र जी नहीं, केशव प्रसाद जो 2014 में लड़ा है वो 2018 में भी पार्टी के लिए लड़ेगा। सपा ने क्यों उतारा है ये तो सपा बताएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अब वो किसी परिवार में किसी जाति में पैदा हुए हैं या पार्टी नहीं देखती है, कार्यकर्ता देखती है। एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे नेता, एक अच्छे जनता के सेवक, एक गरीबों के हितकारी, किसानों के हितकारी के रूप में श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जी यहाँ भाजपा के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। और यह चुनाव में स्पष्ट करके कहना चाहता हूँ कि कौशलेंद्र जी नहीं, आज इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के कीड़गंज स्थित मुख्य परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का दूध से अभिषेक और माल्यार्पण करके महाविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद प्रफुल्ल देव शुक्ला, कनक त्रिपाठी, शुभेंद्र देव, राघवेंद्र मिश्रा, आयुष मिश्रा, प्रियम वैद्य, आयुष हर्ष, सत्यम पांडे सहित कई छात्र एक वर्ष से भी अधिक से लंबित मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए। मांगे कुछ इस प्रकार हैं: महाविद्यालय के बेनीगंज परिसर को कब्जा मुक्त कराया जाए, तीनों परिसर की रंगाई पुताई हो, चिकित्सालय शीघ्र खोला जाए, साइकिल स्टैंड का क्षेत्रफल और बढ़ाया जाए, तीनों परिसर में पर्याप्त शौचालय की सुविधा हो, महिला शाखा में और विधि संकाय में सीसीटीवी कैमरा लगे, तीनों परिसर में नाम दर्शाने वाला ग्लो शाइन बोर्ड लगाया जाए, कक्षाओं का निर्माण कराया जाए और जर्जर इमारतों की मरम्मत हो। क्रमिक अनशन करने के लिए जब छात्रों ने दरी मांगी तो प्राचार्य ने दरी देने से इनकार कर दिया, परिणाम स्वरूप आम छात्रों को जमीन पर बैठना पड़ा। प्रफुल्ल देव शुक्ला ने कहा कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो क्रमिक अनशन आमरण अनशन में तब्दील कर दिया जाएगा। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पूरी हो हमारी मांगे, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे होश पूरी हो। हमने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर के, जैसे कि चिकित्सालय खुले, कॉलेज में जो फंड्स आ रहे हैं लौट जा रहे हैं, हॉस्टल के लिए फंड वापस आए और कॉलेज में हॉस्टल का निर्माण हो, कक्षाएं नियमित रूप से चलें, और कॉलेज की जो ज़मीनों पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा है वो कब्जा हटाया जाए वहां से, हाँ शौचालय की व्यवस्था की जाए, महिला शाखा में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए, ऐसी आदि कई मांगों को लेकर के आज हम लोग ने आज़ाद जी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया, दूध से अभिषेक किया, इनका आशीर्वाद लेकर के पुतला दहन करने के बाद आज हम सभी आम छात्र क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे, और जब तक हमारी 8 सूत्री मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक क्रमिक अनशन और आमरण अनशन चलता रहे। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां रोहा के घाटव MIDC में एंथिया केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी के सभी प्लांट इस आग की लपेट में आ गए, और कंपनी के बॉयलर प्लांट में आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में ये आग पूरी तरह फैल गई और पूरी कंपनी ही इस आग के चपेट में जल गई। पुलिस प्रशासन और कंपनी व्यवस्थापन ने आसपास के गांव वालों को कंपनी से दूर रहने की चेतावनी दी है। अभी तक कोई जनहानि के समाचार नहीं मिले हैं, सभी कर्मचारी और गांव वाले सुरक्षित हैं।
उज्जैन जिले के छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर शिवसेना के तत्वाधान में चल समारोह निकाला गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख धानेश्वर जी द्वारा कचरू सिंह दरबार को विधायक प्रत्याशी का पद सौंपा गया। इस दौरान धानेश्वर जी, प्रदेश प्रमुख कोठारी जी, संभाग प्रमुख मंडलोई जी, जिला प्रमुख उपस्थित थे। इसी दौरान पत्रकारों का भी स्वागत किया गया, जिसमें पुलिस वाला की उज्जैन टीम का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। शिवाजी जयंती के अवसर पर आज घोसला क्षेत्र के हमारे यहाँ के पदाधिकारियों ने इस सम्मान का कार्यक्रम रखा और यहाँ पे हमें पत्रकार भाइयों का सम्मान करने का अवसर मिला। निश्चित तौर पे समाज को दिशा देने का काम करते हैं पत्रकार भाई, तो उनका सम्मान कर शिवसेना अपने आप को गर्व महसूस करती है और हमारे यहाँ के पदाधिकारी बूथ बूथ तक अपना काम करें और शिवसेना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना के पक्ष में माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में 230 विधानसभाओं में अपना परचम लहरा करके समाज की 270 सालों से सेवा नहीं हो पाई है। भाजपा कांग्रेस से लोगों को ठगा सा महसूस करते हैं, उनसे छुटकारा मिले और समाज को नई दिशा दे सके। अब अगली खबर जबलपुर से आ रही है, जहां पीएनबी बैंक महाघोटाला मामले में ईडी की टीम जबलपुर पहुंची है। बताया जा रहा है कि टीम ने सदर स्थित गीतांजलि शोरूम में रात करीब 11:30 बजे छापा मारा है। बताया जा रहा है बेहद खुफिया ढंग से कार्रवाई जारी है। स्टॉक समेत शोरूम में मौजूद दस्तावेजों की बहुत बारीकी से जांच हो रही है। देवसर में कॉलेज प्राचार्य के रवैये के कारण छात्र संघ ने सड़क पर जाम लगाकर हड़ताल कर दी। इसी दौरान एसडीएम देवसर पहुंचे और छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्त मांगों को अब विचार कर पूरा किया जाएगा। इन दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। हाल ही उनके मंडला आगमन पर समीपस्थ जिले बालाघाट से तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी जनों सहित हजारों लोग उनकी नर्मदे हर यात्रा में शामिल हुए। अपने नेता से मुलाकात कर लोगों में एक अलग ही खुशी का भाव देखने को मिला। आज जबलपुर में 5,000 की रिश्वत लेते उप निरीक्षक रंगे हाथों पकड़ाया है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र एंट्री फीस के एवज में 10,000 रूपए मांगे थे। रेत डंपर को बिना रोके ले जाने के बदले रिश्वत मांगी थी। आरोपी एसआई आलोक को शासकीय निवास से गिरफ्तार किया गया है। फरियादी संतोष यादव की शिकायत पर लोकायुक्त जबलपुर ने कार्यवाही की है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।